Good evening, everyone. बहुत लोगों ने भेजा है अपना अपना, जो हमने कल होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने नहीं किया. होमवर्क नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे आप लोग? बताएं. If you don't do exactly what I ask for, then how are you going to learn in the end? आप ही बताएं. ये है ना इशू. हाँ, होमवर्क करना मांगता है ना. सोक्रेटिस का तो कराएंगे, वो तो हम कराएंगे ही, लेकिन सोचते तो सही. सोचो थोड़ा सा. थोड़ा होमवर्क जब दिया जाए तो करिए. तो जैसे कि मान लीजिए, अभी तो ब्रेन स्टॉर्म करके ही हम दे देंगे आप लोगों को, तो फिर आप लोग क्या ब्रेन स्टॉर्म करेंगे? जैसा हम करेंगे वैसा ही करेंगे आप. ओके, लेकिन खुद से करिए. देखिए, चीज क्या है कि मैं थीम पर तो डिस्कस कर दूंगा, मैं सिर्फ थीम टू थीम पकड़ रहा हूं, क्वेश्चन उसी थीम से आएगा, लेकिन कोटेशन सेम नहीं आएगा, कोटेशन अलग आएगा. और मैं अपने से कोटेशन उतना दे भी नहीं रहा हूं, मैं यूपीएससी का कोटेशन को ही बेसिस रखा. अभी तक कितना डिस्कशन किया, फिर मैंने तीन कल आप लोगों को होमवर्क दिया कि बोला कि आंसर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे क्या दे दो, सिर्फ उसका LHS RHS करके दे दो, दैट्स इट. एग्जांपल एग्जांपल है. तो करना है सबको, ये चीज ध्यान रखना है. ओके, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, लगभग लगभग सबने ठीक किया. मैं अगर सही सही बात बताऊं तो ऑलमोस्ट एवरी वन हैव डन इट वेल. मतलब इट इज नॉट जस्ट, उसमें पानी डाल दीजिए आप. हाँ, उसमें पानी डाल दीजिए. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रेंडम लिखा है आप लोगों ने, दिखता है थॉट पुट किया है, और कहीं कहीं से कुछ कुछ इंटरनेट का भी सहारा लिया, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कुछ कुछ लोगों ने, सबका तो नहीं बोल पाऊंगा. ठीक है, तो इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है. ओके, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, एक स्किल है. याद रखिए, जो हमने काम करने के लिए दिया वो एक स्किल है, और स्किल क्या है, प्रैक्टिस करने से ही नर्चर होगा. स्किल प्रैक्टिस से ही आएगा, देयर इज नो अदर वे. ओके, समझ गए? चलिए, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन वन लिखता है, अरे रुक जाओ यार, इतना कपड़ा पहन के पढ़ाई का कैसे आदमी है, ठंड भी है, अच्छा खासा ठंड है. नेक पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन कल से बहुत बेटर है. थोड़ा इशू है, वो मैंने एक एक्सरसाइज चालू किया है. चलो अब ठीक है, थोड़ा ठंड ही सही. लेकिन क्या था क्वेश्चन? देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, फिट हो जाना चाहिए दिमाग में. कम कम हियर, कंडेम नन, कंडेम नन. ठीक है, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट आउट हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड
हैंड हैंड्स डू सो डू सो इफ नॉट होल्ड योर हैंड्स होल्ड योर हैंड्स ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे वे विवेकानंदा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखो, कोटेशंस आर ऑफ टू टाइप। ओके, कोटेशंस आर ऑफ टू टाइप। टाइप वन इज डायरेक्ट कोटेशन, यू जस्ट गॉट टू एक्सप्लेन इट, रिमेंबर इट। उस कोटेशन से आप क्या मतलब समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट कोटेशन, जस्ट एक्सप्लेन इट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट कोटेशन। फाइन, सम कोटेशन आर हाईली एब्स्ट्रैक्ट कोटेशन, कोटेशन बाय एंड लार्ज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बट सम होल्ड डीपर मीनिंग। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दोज कोट्स एज वेल। ओके, एज वी प्रोग्रेस टू आवर कोर्स आई विल गिव यू दोज एग्जांपल्स एज वेल। बट दो ही तरह का है कोटेशन, एक है जो है उसको एक्सप्लेन कर दो जो भी समझ में आ रहा है, दूसरा क्या है कि उसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है, डीपर कोट है वो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट दोनों है, वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है कि उससे मतलब क्या निकाला जाए वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा कोट में पहुंचेंगे तो समझेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखें। तो वो पहला चीज बोलता है, कंडेम किसी को मत करो। ठीक है, कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को मत आप क्रिटिसाइज करो कि आप ऐसे हो ऐसे हो, अच्छा है बुरा है, इस परिस्थिति में पहुंचे तो इसका कारण तुम ही जिम्मेदार हो। बोलते मत कर, डोंट डू दैट। इफ यू कैन स्ट्रेच आउट हेल्पिंग हैंड डू सो, अगर तुम उसको मदद कर सकते हो तो मदद करो। मदद किसको कर सकते हो, हेल्प किसको चाहिए होता है, कहां गया हेल्प, हेल्प है, हेल्प किसको चाहिए, नीडी को ही चाहिए होता है ना, हेल्प तो नीडी को चाहिए होता है जो नीड में है। मेरे पास अगर अकाउंट में 10,000 रुपए है तो मुझे 5 रुपए खर्च करना है तो मुझे नीड है क्या, नहीं है। 100 रुपए खर्च करना नीड है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मुझे 50,000 रुपए खर्च करना है और 1,000 रुपीज अकाउंट में तो नीड में, मैं फेल कर गया तो शायद नीड में रहता है, इमोशनल टर्मोइल हो जाता है। ठीक है, आजकल के जमाने में आपका जो वो जमाना है, वो वाले जमाने में बड़ा मोहब्बत प्यार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, दिल भी टूटता है बड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कोई आदमी सैड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली कोई भी हो सकता है, एग्जाम देते कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकते हैं। पास जो हो गया उसको क्या जरूरत है आपका हेल्पिंग हैंड का, हेल्पिंग हैंड तो हम उसको करेंगे ना जो नीड में हो, जरूरत हो, जो फेल कर गया, जो टूट गया हो, बिखर गया हो, गरीब जो हो, उस तरह का नीडी ही है ना वो लोग, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ। तो नीड किस तरह से हो, किस टाइप का हो सकता है, हो सकता है पैसे का जरूरत हो सकता है इमोशनल सपोर्ट हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि मतलब आपको उसको जिसको नहीं बोलते हैं स्टैंड बाय देम, स्टैंड बाय देम, ठीक है, वैसा हो, या कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है कि नहीं। These are the things in general need, और भी लिस्ट हो सकता है, आई एम नॉट राइटिंग एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, 150 वर्ड लिखना है,
ये भी काफी है। ओके ओके, तो यहां तक ये हो गया। बोलता है कि इफ नॉट, अगर ना मदद कर सको जरूरतमंद को, तो फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर एंड लेट देम गो देयर ओन वे। हो सकता है कि कोई आदमी आपसे पैसा मांगने आए, तो आप पैसा नहीं दे पाओ, आपके पास खुद नहीं है पैसा, तो कैसे दोगे किसी को? हो सकता है कोई आदमी एक्सीडेंट में गिर गया हो, सपोर्ट कर दो, नहीं कर सकते हो कोई, मान लो कि कोई एकदम इमरजेंसी काम है, आप नहीं कर सकते, आपको वहां पे टाइम पे पहुंचना ही, जीना मरना का सवाल है। हो सकता है नहीं कर सकते, हो सकता है, मैं कहता हूं, मदद नहीं कर सकते, हो सकता है, कोई भी चीज हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आपके पास आ रहा है, खुद आपका स्पिरिटेड पर्सन नहीं है, आप कैसे मदद कर पाएंगे दूसरे को? हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी। विवेकानंद बस सिंपल कह रहे हैं, ये तुमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है भाई, करना क्या है इसमें, कुछ करना है क्या इस क्वेश्चन में, खाली जस्ट कोटेशन आ गया तो आप घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे? है कि नहीं है? हो सकता है आपको नॉलेज का भी सपोर्ट चाहिए होता है किसी को, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज जिसको कहते हैं, ठीक है, जूनियर है आपको कुछ ज्ञान आपसे हम मांगने आए, पूछने आए, हो सकता है आप ना सपोर्ट कर पाऊं, लेकिन कंडेम मत करो। कंडेम का मतलब क्या होता है, उसको क्रिटिसाइज मत करो। क्रिटिसाइज किस चीज के लिए? फॉर द सिचुएशन दे आर इन। दे आर इन, वो मत करो भैया, सीधा बात है, बस एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आरएचएस एलएचएस कर ले अपन, मैं सिर्फ एलएचएस बताता हूं, आप लोग आरएचएस खुद कर लोगे, वापस चलो। क्या बोलता है? कंडेम नन। तो अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी को पहला वाला, दो पार्ट है, पहला वाला इसको भूल जाओ, सेकंड पार्ट को, पहला वाला कोई एक्सप्लेन कर दो कि क्वेश्चन आता है व्हाई वन शुड हेल्प, ठीक है कि नहीं? हेल्पिंग हैंड आप क्यों, आप हेल्प करोगे, सबसे बड़ी बात है, नंबर वन, ठीक है। दूसरा चीज कंडेम भी है कि व्हाई क्रिटिसिज्म विल बी बैड, और थर्ड वापस आ जाते हैं, इफ नॉट देन, इफ नॉट वाला है, देन ब्लेस देम, इससे क्या, व्हाट इट विल लीड टू, खत्म हो गया। एक्सप्लेन करो ना, सोचे ना क्या इसमें। हाँ, पहला चीज अगर हेल्प कर दिया नीडी को आपने, तो वो आपका क्या दिखाएगा, ग्रैटिट्यूड, आपका क्या दिखाएगा, सेल्फलेसनेस, ठीक है, आपका क्या दिखाएगा, ह्यूमैनिटी, आपका क्या दिखाएगा, काइंडनेस, ये सब दिखाएगा कि नहीं? और क्या है एक समाज में, सोसाइटी कैसा है? हमने क्या बोला, दो ही वैरायटी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है,
एक आप और आपका समाज, चाहे वो अंदर में आपसे पूछ ले आपके बारे में समाज, नहीं तो एक सिविल सर्वेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सीधी बात। ओके, सोसाइटी क्या है? ये तो कंपोजिट है ना, यहां पे क्या है सिस्टम? यहां पे सिस्टम है कि इंटरकनेक्टेडनेस, तो अगर हम एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा, है कि नहीं? ये हमारे में ये कैरेक्टर दिखेगा, ये दिखेगा, इंटरकनेक्टेडनेस प्रूव होगा, ठीक है? क्योंकि आज वो नीड में हम भी हो सकता है, किसी चीज की नीड में हम, पैसे का हो सकता है नीड में ना हो, लेकिन हो सकता है स्पिरिचुअल गाइडेंस की नीड में हो, तब तो हमको कोई मना कर देगा तो? व्हाई क्रिटिसिज्म इज बैड? कैसे जो उस आदमी का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, कैसे वो डिसेरे हो सकता है, कैसे वो सिंबलाइज करेगा एपैथी, ठीक है? कैसे आपको वो एज ए ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है? कर दिया अगर आपने तो ब्लेस देम। ये क्या है? ये आपका शो करेगा उसको ब्लेस किया जो भैया चलो ठीक है, भगवान से मतलब गॉड को उसके भलाई के लिए किया। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना करो ना, कुछ नहीं कर सकते हो तो दुआई मांग लो उसको, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते हो, दुआ मांग लो उसके लिए। हो गया खत्म आंसर अपने आप में। आया समझ में कि कैसे ब्रेकडाउन किया हमने, इजी ब्रेकडाउन है या नहीं है? डिड यू अंडरस्टैंड? एवरीवन आस्किंग यू, इसी तरह से ब्रेक डाउन करना है सिंपल। बहुत जो डीप कोट है, कुछ कुछ रहता है बहुत डीप कोट, उसका मीनिंग हम देखेंगे, उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, ठीक है? बहुत इजी है, तो वेरी सिंपल। ओके, अब इसी क्वेश्चन को ग्रेटिट्यूड पे फॉर्मेशन भी कर सकता है वो। क्यों भाई, क्यों रोना आ गया? डीप कोट कम ही होता है। क्यों झाजी, क्यों सुना है आपको? हाँ, कहाँ गया वो? तब तक मैं दूसरा कोट लिखता हूं, तब तक झाजी जवाब दीजिए। आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी, आप सिर्फ मैं ही सबका कमेंट देख सकता हूं, आप लोग नहीं देख सकते किसी और का, ठीक है? दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? एक कोट लिख लीजिए आप, एक कोट लिख लीजिए ग्रैटिट्यूड पे, कोट लिख लीजिए। हाँ वही चीज है, दवा ना कर सके तो दुआ कर दो, दैट्स राइट, सही पकड़े हो सूरज, वेरी गुड। एक ग्रैटिट्यूड पे कोट लिख लो, लिखो ग्रैटिट्यूड कैन ट्रांसफॉर्म एनी सिचुएशन, ग्रैटिट्यूड कैन ट्रांसफर एनी सिचुएशन, फुल स्टॉप। इट ऑल्टर्स योर वाइब्रेशंस, इट ऑल्टर्स योर वाइब्रेशंस
कोमा मूविंग यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव फुल स्टॉप इट्स द क्विकेस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्विकेस्ट क्विकेस्ट इजीएस्ट मोस्ट पावरफुल वे टू टू इफेक्ट चेंज इन योर लाइफ चेंज इन योर लाइफ ओपरा विनफ्रे इस कोट को दी है तो क्वेश्चन कुड बी ऑन ग्रैटिट्यूड एज वेल ठीक है ग्रैटिट्यूड क्या है एक सेंस ऑफ काइंडनेस है ग्रैटिट्यूड एक थैंकफुलनेस है ठीक है हम किसी भी चीज के लिए थैंकफुल हैं कि भगवान ने हमें यह तो दी है कि नहीं उस तरह का कोई आदमी कभी आपको मदद करे तो ग्रैचुअस रहो थैंक यू बोलो थैंकफुलनेस है वो ओके हो सकता है उस पर क्वेश्चन पूछ दे तो थैंक यू ये सब चीज कहां से आता है अब जो आदमी थैंक यू बोलना सॉरी बोलना दो तरह का व्यक्ति होता है ध्यान रखिएगा दो तरह के ही व्यक्ति होते एक आदमी हर समय सॉरी बोलता है सॉरी ये सॉरी वो याद रखो उसमें कहीं ना कहीं खोट है जो बार बार माफी मांगता है बहुत ज्यादा आप सिंसियर व्यक्ति उसको नहीं मान सकते हैं जो बार बार माफी मांगता है हर बात पे जो माफी मांगे आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें उनसे ठीक है और आप लोग खुद भी अपने जीवन में बार बार माफी ना मांगे ओके तो उसमें कहीं ना कहीं सिंसियरिटी कमी रहती है डिसिप्लिन की कमी रहती है ठीक है और उसका आदत बन जाता है सॉरी बोलना पहला चीज दूसरा चीज थैंक यू हर चीज पे बोलना काइंडनेस दिखता है मोर यू से थैंक यू मोर यू काइंड यू बिकम हम लोग यहां पे थैंक यू नहीं बोलते हैं लेकिन आप विदेश जाओगे ठीक है तो वहां पे लोग बहुत थैंक यू बोलते हैं पर्टिकुलरली यूरोप में जहां पे इंग्लिश बोला जाता है ऑफ कोर्स ओके तो वो चीज है तो ये चीज को ध्यान रखिएगा इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहीं से सब जो निकालना है अच्छे अच्छे शब्द लिख लेना है ओके चलो Who gave this quote? Oprah Winfrey. नाम नहीं सुना Oprah Winfrey का अरे यार इतना फेमस है Oprah, O-P-R-A-H. Oprah. Winfrey, W-I-N-F-R-A-Y. W-I-N-F-R-E-Y. Winfrey. Fine? ध्यान रखिएगा चलिए अब हम कहां गया भाई क्वेश्चन हां द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ In the service of others, okay? Gandhi ji ne kaha hai ye. Okay? Fine? Chalo. Gandhi ji ne bola hai. ओके तो क्या कहता है ये बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ बेस्ट तरीका अपने आप को खोजने का मतलब इनर सेल्फ का बात कर रही है ठीक है इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर ठीक है अब यहां पे क्या है दूसरे का सर्विस में अपने आप को रियलिटी में जानने के लिए इनर सेल्फ को जानने के लिए ठीक है
सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना लाइफ को डेडिकेट कर दो किस चीज में, इसमें। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको, अगर दिक्कत हो रहा है तो हम एक और तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीका बताते हैं। तरीका क्या है कि आप इसको रीफ्रेम कर लो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन रीफ्रेम कर लो। रीफ्रेम कैसे करो? बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, बेस्ट वे टू फाइंड योर इनर सेल्फ इज टू हेल्प अदर्स। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब ये तो आसान हो गया ना, और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, हो गया, पिछला वाला क्वेश्चन टाइप बन गया। ओके ठीक है, चलो। तो अब सवाल आता है कि ये इनर सेल्फ अगर बात कर रहा है तो एक आउटर भी होता होगा कोई, हाँ? इनर कोई है तो ये कोई आउटर भी होता होगा। मैं एक बाहर का, मैं एक अंदर का, होगा कि नहीं? आउटर जो जो, जो सेल्फ होता है ना, उसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं इमेज। यार मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। और ये इनर सेल्फ जो है ना, ये कैरेक्टर का कहानी है, ठीक है। आउटर सेल्फ इमेज है कि एक इमेज बना हुआ है। मान लो मेरा कि एक इमेज बना हुआ है कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, अच्छा है, खराब है, हेल्पफुल है, नहीं है। एक इमेज बना है जो कि मोस्टली, ध्यान रखिएगा, मोस्टली जो इमेज है, जो होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके, वो क्या है? इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर अदर्स पीपल्स परसेप्शन टुवर्ड्स यू। ये इमेज क्या होता है? व्हाट इज दिस इमेज? ये मोस्टली क्या है? अदर पीपल्स परसेप्शन टुवर्ड्स यू। कैरेक्टर क्या है? हाउ यू सी योर सेल्फ, समझ गए? तो दो इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ। थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एलएचएस आरएचएस दो मिनट में कर दूंगा वो तो मैं, ठीक है। ये क्या है? थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि दो चीज है। दूसरे का परसेप्शन आपके लिए क्या होता है, दैट इज आउटर सेल्फ, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं वापस, गॉट इट? कि द बेस्ट वे, सॉरी, बेस्ट वे टू फाइंड योर इनर सेल्फ इज टू हेल्प अदर्स। अब सवाल है कि इनर सेल्फ जो है, ठीक है, अब एक चीज और यहां बता देता हूं। कभी कभी ना देखो, कुछ कुछ कोट है, मैं बताता हूं जो आप लोग को भी आता होगा। मैं एक ट्रिक बताऊंगा सोचा था, कुछ कुछ कोट है जो आप लोग को भी आता है, सुना होगा कहीं पे, लेकिन उसको ना डायरेक्ट मत चिपका देना, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं कि वो किसने बोला है, ठीक है। Who said it? You have no idea. Yet the quote is relevant. Yet the thought is relevant. But अपने से वहां पे दोगे तो लगेगा भैया ये बंदा फिलॉसफी चिपका रहा है, अपने आपको फिलॉसफर समझ रहा है। Don't do that. ठीक है। जैसे कि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि being alive एंड लिविंग, ठीक है। ये मन करा कहीं पे लिखने को, आपको एक दो ट्रिक बता रहा हूं कि आपका सेम ही चीज जो इतना कहावत सुना है ना अभी तक, बहुत सारे बातें, तो आप लिख सकते हो यहां पे दो तीन तरीके से। इसके पहले एक सेंटेंस जोड़ दोगे तो सब हो जाएगा। किसने बोला मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी नहीं पता होगा, ओके, बट येट इसको यूज कैसे करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, वो मैं बता रहा हूं। व्हाट यू हैव टू राइट हियर
एक्स, ओके, मेनी ओल्ड थॉटफुल पर्सन आर ऑफ द व्यू दैट, ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओल्ड विजडम विजडम सजेस्ट दैट, सम philosophers are of the view that, ठीक है, ठीक है, तीन हो गया, ठीक है, काफी है। इस तरह से लिख सकते हो कि many thoughtful person are of the view that being alive and living are two different things. Old wisdom suggests that being alive and living are different things. ठीक है? Some philosophers are of the view that being alive and living are different things. Got it? ये चीज कहां से है? ये चीज तो रेंडम कहीं पढ़ा हुआ है ना हमने? रेंडमली कहीं से जाना हुआ है, कहीं ये पढ़ा हुआ है? तो आप जैसे ही मान के चलो कि इसको स्टार्ट कर दो, भूल जाओ ऐसा कुछ हमने बताया. For the time being, forget about what I have written here on the board. Just being alive and being living are two different things. जैसे ये बोलते हो ना, लग रहा, उफ, देखो भैया इस philosopher को, मत बन philosopher, ठीक है? गर्दिश में कभी भी philosopher नहीं बनना. Affluence जो है ना, जब आएगा किसी भी चीज में, तभी फिलोसफर बनना, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना. ये मुझे एक ट्रिक बताना था आपको, जो हमने ट्रिक बताया, ये बहुत अच्छा होता है इस तरह का जब हम लिखते हैं. ओके, चलिए अब वापस से इसको आते, ये अभी दिमाग में आ गया, मैं तो इसीलिए बताया, ये आप एक डिफरेंट स्लाइड की तरह रख लो. अब यहां पर क्या है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू Lose yourself in the service of others, ठीक है? Inner self के बारे में बोलता है. तो inner self क्या है? LHS में inner self जो है, उसी को कर दो ना, कि यह है क्या? Define कर दो inner self. टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, वो लिख दो. थर्ड, टू इनर सेल्फ जानने से क्या होता है, ठीक है? जो दूसरे को सर्विस दे रहे हो आप, उससे आपको कैसे, जो सर्विस दिया, हाउ डिड यू realize your inner self, कैसे inner ये कर दिया, ये यही है, हो गया ना? हो गया खत्म, ये तीन सवाल का आंसर दे दिया, हो गया खत्म, breakdown कर दिया ना LHS को मैंने. गांधी जी कहे हैं, अरे कहे हैं, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ. तो भाई यूज हम सेल्फ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट. आफ्टर दैट, लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, अपने आप को लूज कर दो दूसरे के सर्विस में, क्या है उससे फायदा? तो जब भी जिस तरह से जिसे हमने किया, तो यहां पर जब भी लिखिएगा इनर सेल्फ, तो कुछ स्पिरिचुअल टाइप लिखो, राइट समथिंग स्पिरिचुअल, ठीक है, समथिंग स्पिरिचुअल.
समथिंग स्पिरिचुअल कुछ लिखने की कोशिश करो। अब ये स्पिरिचुअल क्या लिखेंगे, एक सवाल बहुत बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, लिखो, यू जस्ट कीप राइटिंग, यू विल कम टू नो व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल। ना आए, हम बस बोल रहे हैं कि तुम अगर ये जो इनर सेल्फ का जो भी डेफिनेशन लिखोगे चलेगा, रिमेंबर चलेगा, 99% जो है ना बच्चे वो वैसा ही टाइप होंगे। मैं वो 1% का बात कर रहा हूं जो अगर इसका स्पिरिचुअल मीनिंग दे देगा हो जाएगा। तो मैं आपका लेवल को ऑगमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं। माय पर्पस इज टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज विच कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ये नहीं भी लिखोगे, नहीं आ रहा है मान लो तो हटा दिया हमने, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी अगर लिख सकते हो तो स्पिरिचुअल कुछ लिख सकते हो, तभी हमने बोला तब लिखना। अब इस कोट में एक बात आ जाते हैं, लिख दो यहां पे, मेनी थॉटफुल पर्सन आउट ऑफ द व्यू दैट बीइंग अलाइव एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग, बीइंग लिविंग हैज अ डीपर मीनिंग विच सिंबलाइज अ हार्मोनाइज्ड स्टेट बिटवीन इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ। लिख दो, चल जाएगा काम हमने जो बोला। थोड़ा एक अपग्रेडेड लेवल है ये। ये जो कर पाता है सिर्फ 1% स्टूडेंट कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ 1%। तो आपका चॉइस है कि आप ना चाहें तो ना करें। यहां से भी स्टार्ट कर देंगे तो भी चल जाएगा, जो भी डेफिनेशन है। लेकिन अगर ये कर पाया तो बहुत अच्छा, ठीक है। कोट आ गया कोई याद, बुद्धा बुद्धा कर, वो सब यूज कर सकते हैं, बुद्धा सेड एक्स वाई जेड। लेकिन अब वहां पे आना नहीं आना बड़ा डिफिकल्ट चॉइस है, बिकॉज यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, यू आर नॉट सिटिंग जस्ट एनीवेयर। प्रेशर रहता है, थकान रहती है, सब चीज रहता है। तो आप एफिशिएंसी आपका 60-65% रहता है, योर एफिशिएंसी 60-65%। उस टाइम में हम फंस जाते हैं। इसीलिए हमने बोला ये किसके लिए है, प्रो लेवल के लिए है। लेकिन आप नहीं कर पाए तो घबराइएगा मत, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके चलो, अब तो हमने पहले लिख दिया पहला पैरा। ममता ध्यान दो, आरएचएस में आ जाते हैं। ओके, अब पैरा वन हमने यहां लिख दिया, डिफाइन इनर सेल्फ, ठीक है। ओके, पहला वो कर सकते हो। और सेकेंड पैराग्राफ, जब भी इनर सेल्फ होगा, कैरेक्टर की बात होगा, तो मतलब वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, वैल्यूज, ठीक है। इस वैल्यू को बता दो कि इसमें मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक, उसमें तुम इसके बारे में बात कर लो, ठीक है। टॉक अबाउट दिस, ओके। हर टाइम में ऐसे ये मत समझिए कि कैसे पता चलेगा लिखना है कि नहीं लिखना है। कभी भी कोई भी फिलोसॉफिकल वर्ल्ड को लिख रहे हो तो यू हैव एन ऑप्शन टू राइट स्पिरिचुअल, कुछ हायर लेवल का डीपर दे देना है। लेकिन जो डीपर चीज लिख रहे हो ना, वो एट्रीब्यूट टू समवन एल्स, डोंट एट्रीब्यूट टू योर ओन सेल्फ, इवन इफ इट लुक्स फैंटास्टिक। लाइक अरे हम ही बोल देते हैं, किसी को भी पता नहीं होगा, नहीं। किसी ने बोला उसका नाम ले लो, किसी ने नहीं बोला तो कुछ हम जो तरीका बताया वो यूज कर लो, कभी भी कर सकते हैं वो। हमने क्या बोला, एक ऑगमेंटेड वर्जन है, 1% लोग कर पाते हैं वो। तो अगर आप कर पाए एग्जाम में तो गिव इट अ ट्राई, ओके। दूसरा चीज हमने लिख दिया वैल्यूज, फिर एलएचएस का है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक जो आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है, फाइन। पैरा टू, सॉरी ये तो पैरा टू हो गया ना, पैरा थ्री, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, ओके। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है,
कोशिश करिएगा पैराग्राफ में लिखने का, अगर बहुत सारा पॉइंट ना हो आपके पास, इफ यू डोंट हैव मेनी पॉइंट्स देन ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ, इफ यू हैव मेनी पॉइंट सेल इट, बेचो उसको, वहां पे खरीद बिक्री चल रहा है, सेल इट, बेचो बेचो बेचो, बार बार कह रहा हूं। अगर पॉइंट अधिक है तो आप पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स कम मिल रहे हैं पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। ओके चलो, वैल्यूज लिख लिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख लिया, आप चाहो तो इसमें स्कीमेटिक भी बना सकते हो, कुछ इस तरह का आप बना सकते हो आप चाहो तो। ऑलराइट, ओके फाइन, चलो वो तो कर दिया। अब देखो एक चीज है कि क्वेश्चन है कि व्हेन यू डू सर्विस ऑफ अदर्स, व्हेन, जब आप कोई, व्हेन यू डू सर्विस, तो व्हाट डू यू रियलाइज, व्हाट डू यू रियलाइज, हाउ डज इट, डज इट Deep, you as a human, ये दोनों कर दो। अब इसको बना दो पैरा थ्री और इसको बना दो पैरा फोर, ठीक है, कि क्या आप रियलाइज करते हो। जब तक रियलाइज नहीं करोगे सेल्फ किस जानोगे, कैसे एज ए ह्यूमन आपको सेव कर रहा है, इसमें वैल्यूज क्या क्या आएगा, एज ए ह्यूमन क्या सेव किया, सेल्फलेसनेस आपको आएगा, मदद कर रहे हो किसी का, एल्ट्रुइस्टिक भावना हो गया, एल्ट्रुइज्म आएगा, ठीक है, कंपैशन होगा, लव होगा, काइंडनेस दिखेगा, ये सब चीज आप में आएगा, एंड दैट मेक्स यू ह्यूमन, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू ह्यूमन। यहां पे क्या क्या आ जाएगा आपको, हमने क्या बोला, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन आएगा आपको, लव का भावना आएगा, ठीक है, आपको काइंडनेस आएगा, ठीक है, ओके ये सब आएगा, सेल्फलेसनेस आएगा, काइंडनेस आएगा, लिख ही दिया काइंडनेस, इस तरह का चीज आएगा, एल्ट्रुइस्टिक फीलिंग बनाएगा बनाएगा, और ये सब जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ह्यूमन है, अच्छा ह्यूमन है, तो कैरेक्टरवान व्यक्ति अच्छा ह्यूमन होता है, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति अच्छा ह्यूमन होता है, गॉट इट। तो ये चीज है, हाउ डज इट शेप यू एज ए ह्यूमन, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज दैट यू जनरेटेड, व्हाट डिड यू रियलाइज, तो रियलाइज किया, ठीक है, क्या रियलाइज करोगे आप, डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दूसरे को मदद करोगे तो डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो गया, ओके ठीक है, और कुछ इसके आगे भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, लेकिन अपने आप में आंसर कंप्लीट है। अब एक और चीज अगर हम जोड़ना चाहो तुम तो वो भी जोड़ सकते हो कि सर्विस, ये सर्विस मतलब क्या है, कि दूसरे का पैर दबा रहे हैं वो सर्विस नहीं होता है, सर्विस हर तरह का, जिस चीज में हम अच्छा है वही सर्विस दे सकते हैं ना, आई कैनॉट बी गुड एट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आई एम गुड एट योर सर्टेन थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, तो आप एडुकेशनल दे सकते हो, मेडिकल का ज्ञान है आपको, नॉलेज है, तो मेडिसिन में दे सकते हो, जिसमें हो अच्छा, ठीक है, सोशल सर्विस कर सकते हैं आप, एनजीओ एनजीओ जो करता है, ठीक है।
आप साइंटिफिक पर्सन हैं, साइंस वाले हैं, वो भी ह्यूमैनिटी के लिए दे सकता है। बहुत बढ़िया एग्जांपल एक दिमाग में आ रहा है, निकोलो टेस्ला पूरा दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, ये परपिचुअल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ये चाहत था, बना पाया नहीं पाया, अंदर का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किसे मरवा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, इसका सब किसने छीन लिया नहीं लिया, वो अलग मुद्दा है, लेकिन चाहत तो थी ना। हैं, पॉलिटिक्स वाले भी हो सकते हैं, गांधी जी ले लो, मंडेला ले लो, मार्टिन लूथर किंग ले लो, राइट्स के लिए फाइट किया है, इस तरह के कोई भी बड़े लोग महापुरुष को ले सकते हो, तो बहुत सारा सर्विस दे सकते हैं आप। एडुकेशन में कलाम का ले लो, अब्दुल कलाम साहब का ले लो, मेडिसिन कोई बड़ा डॉक्टर होगा, मेडिकल में कौन डॉक्टर, अरे नाम भूल गया, देखो उसका उड़ीसा साइड का था, विनायक सेन, विनायक सेन डॉक्टर थे, ट्राइबल नक्सल एरिया का पूरा जीवन भर मदद ही करते रहे, वैसे इनको नक्सल के रूप में अरेस्ट कर लिया गया था, ध्यान रखिएगा, इनको नक्सलाइट बोल के अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये नक्सलाइट नहीं थे, सिंपथी था ट्राइबल से, नक्सली से थी, तो मोहब्बत ट्राइबल से क्यों नहीं हो सकते, बेचारे नक्सली भी मारते हैं उसको, पुलिस भी मारते हैं, हेल्प करने कोई नहीं आता है, वोट लेने सब आते हैं, तो ये है, लो एग्जांपल, इतना बड़ी बड़ी एग्जांपल, सोशल सर्विस में तो तुम किसी का भी दे सकते हो, मदर टेरेसा, सत्यार्थी, अरे जो मन उसका दे दो, इन्वायरमेंट में भी दे सकते हैं आप, एक इन्वायरमेंट में उनका क्या नाम था, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट, भूल गया मैं नाम ने सर्च कीजिएगा आप लोग नेट पे, एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे वो, ठीक है, उस तरह का, तो कोई भी सर्विस हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। चिपको मूवमेंट में भी उनका था योगदान, फिर वहां से किए, मैं भूल गया, वो शायद उत्तराखंड के ही हैं। ऑलराइट, तो ये किसी भी तरह का सर्विस हो सकता है, इसमें कहीं पे फिट बैठता है तो सर्विस भी दे दो, एनी टाइप ऑफ सर्विस, दे प्रोवाइडेड सर्विस एग्जांपल दोगे तो, दे प्रोवाइडेड सर्विस, तो एक उनका कैरेक्टर दिखा, वैल्यू दिखा, हर चीज का दे दो एग्जांपल, एनी वेयर यू वांट टू कोट देम कोट इट, समझ गए, चलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल वैल्यूज, देखो टर्मिनल वैल्यू जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब किसी चीज का यूज, ठीक है, हां बहुगुणा जी, यस 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 दैट्स राइट, बहुगुणा जी ही थे, बहुगुणा, ओके। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू वो होता है कि जो चीज आपको टर्मिनल वैल्यू तक ले जाने का, ये हो एक तरीका से मींस होता है, वो टर्मिनल वैल्यू जो है ना वो एंड है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है, नथिंग बियॉन्ड दैट, गॉट इट। ब्यूटी, ब्यूटी इज ब्यूटी, जस्टिस, 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 जस्टिस कोई मतलब ये नहीं है, बीच का मुद्द है ही नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा, दैट्स राइट, ओके, सुन
दर लाल बहुगुना नाम था, रख लीजिएगा नाम, इसको यूज करना इधर उधर, इतना सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, तो टर्मिनल वैल्यूज आर दो सॉर्ट ऑफ वैल्यू, ब्यूटी, लव, विजडम, ठीक है, ये सब चीज है, गॉट इट। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर, इसको यूज करना होगा, तो एज एन एग्जाम्पल यूज कर लो कहीं पे। व्हाट डू यू रियलाइज, एक गिव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, गिव, और भी एक वर्ड लिख देता हूं, गिव लाइफ अ ट्रू मीनिंग, ये भी लिख दो सकते हो, और फिर लिख देना उसमें एग्जाम्पल डाल देना कि हाउ दे आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है, ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, अपने बारे में उसको पूरा पता होता है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, मोह माया से निकल जाता है, ठीक है, ये चीज वहां पे एग्जाम्पल यूज कर लो, हो गया आंसर कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स बच गया लास्टली, पूरा आंसर का फॉर्मेट नहीं मैं देता हूं कोई चीज का, उसे तो अगर देना होगा तो मुझे लिख के देना होगा, उतना हार्डवर्क नहीं कर रहा मैं, ये जो बता रहा हूं ही अल्टीमेट है, लेकिन अगर मैं सब दे दूंगा ना फिर आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे पहले, इसीलिए स्टेप नंबर वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, दैट्स व्हाई आई एम फोकस्ड मोर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। ओके, और सबसे टफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लिया है जिसका कि स्ट्रक्चर बनाना ही टफ है, LHS फाइंड करना ही टफ है। तुम जाओ एक बार इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद जो हम लोग जिसमें भी जाएंगे, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज वाला जो भी है नीचे का दो चैप्टर, फाइन, सब डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चन विल बी ए डायरेक्ट क्वेश्चन, वहां पे ये LHS करना ना आपके ना चुटकी का खेल होगा, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, हमने बोला वहीं से शुरुआत करते हैं, देखना मैं क्लास में प्रूव कर दूंगा, आई विल प्रूव इट इन द क्लास इटसेल्फ, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। पूरा फॉर्मेट अभी हमने कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे करवाया है, उसका आंसर हमने खुद ही लिखा हुआ है, आई कैन गिव इट टू यू, बट आई डिड नॉट गिव एनी आंसर, आई जस्ट गिव वन आंसर ऑन द फर्स्ट डे, व्हाई, आई वॉन्टेड टू गिव यू एन इंप्रेशन कि जो कोई चीज ब्रेक डाउन किया रहता है, जब टूटा हुआ रहता है तो कैसा दिखता है, और जब उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं तो कैसा दिखता है। आंसर तुम्हें 60 दूंगा टोटल, तुम्हें मतलब लिखा हुआ और भी इधर उधर से करके बहुत सारा दूंगा, तो 250 के आसपास रख लो सब मिला के, इतने उसमें रहेंगे, सब चीज रहेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन ये स्किल कौन कैसे सीखेंगे, हाउ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस आर द स्किल्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, नो मैटर द वॉल्यूम ऑफ नॉलेज आई प्रोवाइड टू यू, उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया दूसरा कोट, अब एक तीसरा कोट था, आओ देखो इस वाले क्वेश्चन को बहुत कम लोगों ने अटेंड किया है वैसे, बाय द वे क्यों नहीं अटेंड किया मेरे को नहीं समझ में, बहुत आसान है क्वेश्चन, जबकि अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी, सिस्टम ऑफ मोरालिटी which is based on relative emotional values, emotional values values is a mere illusion, a thoroughly vulgar, conception which has nothing sound sound
इन इट एंड नथिंग ट्रू ट्रू। कौन है? सोक्रेटीज। ठीक है, बहुत लोगों ने, कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। हाँ भाई, इंप्रूवमेंट हो रहा है, सबका इंप्रूवमेंट है, ये तो बात आप जान लीजिए। सब में इंप्रूवमेंट है। सही समय पर सही एग्जाम्पल नहीं आता है, सोचना पड़ेगा ना बेटा। अभी तो हम आपको सोचने का प्रोसेस बता रहे हैं। देखो क्या होता है, ध्यान समझो क्या होता है लाइफ में, क्या होता है। अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपको कि हम ड्रामेटिकली हर चीज में आपका चेंजेस ला देंगे, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये मैं नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। आप द्रोणाचार्य को ले आओ, नहीं कर पाएंगे, वो भी समझिए क्या है। क्योंकि जो चीज मैकेनिस्टिक नहीं है उसको मैकेनिस्टिक नहीं बनाया जा सकता, फिर भी कोशिश किया जा सकता है एक सिस्टम बनाओ। देखो क्या होता है, बचपन में जब जाओगे ना क्रिकेट एकेडमी में, तुम्हें डाल दिया जाएगा, तो सबसे पहले बोलेगा बेटा कुछ नहीं करो, बॉल को हिट करो, हिट द बॉल, हिट द बॉल। तो पहले बॉल हिट कराता है, कितना तेज से बॉल हिट कर सकते हो तुम, हिट कराता है। फिर सेकंड फेज में जाता है तो वो करता है कि टेक्निक पे करता है, कि फिर बोल देगा कि जो तुम जो ऐसे करते हो तो ऐसे मारते हो, अगर तो ज्यादा फोर्स नहीं आएगा, पंच नहीं वैसा फील होगा, वो ताकत उसमें नहीं आएगा। तो उसको क्या करो कि भाई इसको एल्बो को ऐसा कर लो, ठीक है, उसमें इससे अगर जाएगा तो तुम्हारा जो फोर्स पीछे से आएगा। आप भी पहले क्या था, बॉडी ऐसे कर रहे थे तो फोर्स नहीं आ रहा था, अब पूरा बॉडी मूव किया तो ये यहां से फोर्स आया। वो यहां का फोर्स क्या है, ताकतवर फोर्स है, तो बहुत सटीक जाएगा। फिर आपको वो सब चीज बताया जाता है, ये सब हुआ टेक्स्ट बुक में। इसको बोलते टेक्स्ट बुक मेथड, की कहां से फोर्स ज्यादा आ रहा, क्या है, नहीं है, क्यों आगे जाके बॉल को टैकल करना चाहिए। लेकिन अब उस फोर्स को प्रैक्टिस कौन करेगा? हमने जो बताया कि इसको आगे बढ़ के ऐसे करके मारो, तो वो करेगा कौन प्रैक्टिस? हाँ, आप करेंगे ना, है कि नहीं है? Who will do that? You are going to do that, right? प्रैक्टिस आपने करने हैं, सॉल्व करो ना एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल सॉल्व करो। यूपीएससी ने जो दिया है वो करो, अदर देन यूपीएससी जो टेस्ट पेपर में दिया है वो सॉल्व करो। उससे भी बियॉन्ड तुम्हें जाना है, मैं तो क्वेश्चन बहुत सारा प्रोवाइड करा दूंगा, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। एंड देन ऐसे रेंडम कोट ले लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कोट ऑन कंपैशन मारो, बहुत सारा कोट आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यू विल नो ना, प्रैक्टिस आपने करने पड़ेंगे। ओके, कि दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रहा, दिमाग में एग्जांपल कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे? हमारे पास लाजमी है कि ज्यादा एग्जांपल आएगा, ठीक है, उतना लेवल का एग्जांपल आपके पास नहीं आ सकता है। लेकिन जो लिस्ट दे रहा हूं हर जगह से, नाम जो दे रहा हूं यहां पर डेली डेली, उस दिन भी 10-15 एग्जांपल दिया, कल भी 10-15 दिया, अभी तक जितने दिन हुए होंगे कम से कम 30-40 एग्जाम्पल दिया है कि नहीं? यूज देम ना, यूज करो उसको, क्या जाता है? तो ये दीज आर द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। प्रैक्टिस आप ही ने करने, हम टेक्निक बता रहे हैं। दीज आर सम फाइन क्लास टेक्निक विच आई हैव लर्नड और आफ्टर सो मच ऑफ डेलिबरेशन, आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर सो मच ऑफ फेलियर। तो जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना चीजों को रिवाइज करेंगे बार 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 बार, आपके में आसानी से आने लगेगा, थिंग्स विल कम नेचुरली टू यू।
धीरे धीरे समय लगेगा, अचानक से नहीं इंप्रूव हो जाएगा. दीज आर द थिंग वी आर लर्निंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड ऑल्सो रिमेंबर दीज आर एंड गेम skills, the skills that I am teaching you, these are end game skills. If you can employ it, done. सही में कर दिया अगर आपने तो आप सोचो मत कितना हो जाएगा. ठीक है, चलो इसको देखते हैं. पहले मैं इसको बोलता हूं रिफ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो बहुत लोगों ने मतलब, तो फिर तो उसको रिफ्रेम में भी कुछ दिक्कत है. अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी कहता है, मतलब सिस्टम मोरालिटी मतलब मोरालिटी और क्या, विच इज बेस्ड ऑन, इस वर्ड से आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, रिलेटिव इमोशनल वैल्यू. ये एक वर्ड है जो कंफ्यूज किया होगा. इज ए मियर इल्यूजन, अ थॉरली वल्गर कंसेप्शन विच हैज नथिंग साउंड एंड नथिंग ट्रू. वो तो बकवास है यहां के बाद जो है यही पे है. क्या बोलता है कि मोरालिटी है, मेरा एक मोरालिटी, हमने क्या बोला था, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये एथिक्स और मोरालिटी में अंतर करना शुरू कर देते हैं. अरे मत कर मेरे भाई, बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली अनलेस अंटिल यूपीएससी डजंट आस्क यू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स. डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन डिफाइनिंग और मेकिंग अ और ड्रॉइंग अ difference between these two terms, all are same mano, okay, same mano. तो morality जो हमारा morality सही कम right wrong यही है ना morality. ठीक है, which is based on, बोलता है ये वाला morality which is based on relative emotional value, कि जो relative emotional value, relative मतलब कि contrast create कर रहे हैं. अभी ए था, कल बी हो गया, फिर सी हो गया, ऐसे ही होगा ना रिलेटिव. तुम में ज्यादा हम में कम, ऐसा कुछ रिलेटिव होगा. एंड एंड देन इमोशनल वैल्यू. इमोशनल क्या होता है, मेरा इमोशन अभी अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा, गुड है बैड हो जाएगा, हैप्पी है सैड हो जाएगा, एंगर हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं, वही तो इमोशन है ना. लिखा इमोशनल वैल्यू, इसका मीनिंग सिंपल इमोशन है कि आपका इमोशन एंगर का है, आपका इमोशन हैप्पी का है, आपका इमोशन सैड का है, कुछ भी और वेंजफुल है, जो भी है इमोशनली चार्ज्ड. सीजन चेंज हुआ, हैप्पी से सैड हो गए और हमारा मोरालिटी चेंज हो गया. सीधी बात यही बोलता है, इज एन इल्यूजन. बोलता है वैसा मोरालिटी मोरालिटी नहीं है, थोड़ली वल्गर कंसेप्ट. बोला ये कंसेप्शन जो है ना कि हर समय सिचुएशन पे तुम चेंज बदल जा रहे हो, ये एकदम वल्गर है. नथिंग साउंड इन इट, मतलब देर इज नो लॉजिकल ओरिजिनल बेसिस, नथिंग ट्रू अबाउट इट, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है. जिसको मैं दोबारा से अगर रिफ्रेम करता हूं तो लिखूं, अगर मैं इसको मोरालिटी इज, morality which is based on emotional state of an individual is false मोरालिटी. ठीक है, लो भैया इसको बहुत आसान कर दिया हमने, अब इसको एक्सप्लेन कर दो. ये तो आपका करेक्ट है प्रत्युष का, तो आपने इस लेवल का सोच लिया, वेरी गुड. ये तो है मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज फॉल्स मोरालिटी. पिताजी का हम नॉर्मल टाइम में सम्मान करते हैं और हम सैड हो गए फेलियर कारण से, हमने बोला जिम्मेदार आप हैं, आज आप हमको बड़ा स्कूल में पढ़ाते तो हम बन जाते कलेक्टर. अरे ऐसे कैसे तुम गालियां दे रहे हो, हाउ एंड व्हाई,
कहानी बाय एंड लार्ज इंटीग्रिटी का है, इंटीग्रिटी का है। इंटीग्रिटी वाला पर्सन कोई फर्क पड़ता है क्या? नॉर्मल टाइम में भी वैसे ही और एबनॉर्मल टाइम में भी वैसे ही। हाँ, नॉर्मल टाइम में वैसे ही रहेगा, एबनॉर्मल टाइम में वैसे ही रहेगा। जब वो अकेला रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा, और जब वो भीड़ में रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गॉट इट? यही तो है, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। अब सोच लो, LHS कहां गया? आ जा भैया, LHS वापस आते हैं। मोरालिटी पूछ रहे थे पहले, इसमें सबसे अच्छा वर्ड हमको मोरालिटी ही दिख रहा है, सिस्टम ऑफ मोरालिटी। तो पहले कर दो क्वेश्चन कि ये मोरालिटी क्या है, डिफाइन कर दिया आपने। सबसे चीज है वो राइट रॉन्ग, ठीक है। फिर क्या है? बेस्ड ऑन इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज फॉल्स मोरालिटी। दूसरा, तो इधर एक चीज क्या था? फॉल्स मोरालिटी मतलब इल्यूजन है, वल्गर कंसेप्शन है, यही सब है ना। ओके, तो मोरालिटी को हमने एक पैरा वन भी कर लिख दो इसको, ठीक है। और दूसरा जो है इसको क्वेश्चन कि हाउ मोरालिटी टेप सोसाइटी, थोड़ा बढ़ा दिया आपने आगे कि ठीक है इसको। अरे सॉरी यार, या इसको अलग तरह से कोड लिख सकते हो, व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। इसको पैरा टू बना दो। फिर हो गया, फिर क्या था? फॉल्स मोरालिटी ना, सॉरी कहां गया, इमोशन। ये रिलेटिव इमोशन के बारे में बात कर लो। रिलेटिव इमोशन क्या है, और इसको पैरा थ्री बना लो। पैरा में पैरा बोल रहा हूं तो इसका मतलब पैरा ही मत कर लेना, मतलब वो पार्ट पार्ट कह रहा हूं मैं। इट इज पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। हाँ, और क्या है इस क्वेश्चन? वापस आते हैं, फॉल्स, व्हाई इज इट फॉल्स मोरालिटी, और ये मिसकंसेप्शन क्यों, इल्यूजन क्यों है, अनट्रू क्यों है, ठीक है। दे दो एग्जाम्पल, इस जगह पे एग्जाम्पल दे दो कि एंगर का एग्जाम्पल दे दो कि एंगर हो गया, तुमने दोस्तों को गालियां दे दी। और बहुत अच्छा है कि आसाराम, आसाराम बापू बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पेरेंट है, उसको आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको एग्जाम्पल दे दो। और लास्ट में लिख दो कंक्लूजन कि मोरालिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो क्या है, इंटीग्रिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? इंटीग्रिटी। खत्म कहानी। लो भैया 60% 70% नंबर आ जाएगा।
वो चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, व्हाट मोरालिटी शुड एक्चुअली बी बेस्ड अपॉन, सोर्स ऑफ मोरालिटी, वो भी चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन वही स्पेस यही है सिर्फ लिखने का, यहां पे जो चाहो वही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस यही, एक ही लिबर्टी मिल रहा है जगह, कि मोरालिटी को ही और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, डिफाइन यहां कर दिए, सेकेंड पार्ट में उसको इंपॉर्टेंस बता दिए, ठीक है, गॉट इट, वो कर सकते हैं आप। और थर्ड में फिर अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक डाउन करो, कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा तो हिंदी में सिंप्लीफाई लिख लो, राइट डाउन इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, आ गया समझ, बताओ आ गया, चलो एक क्वेश्चन सोचो अभी क्लासरूम में, ये क्वेश्चन है तो ब्रेनस्टॉर्म करो जरा, करो जरा ब्रेनस्टॉर्म करो इस क्वेश्चन पे,
ठीक है, रुक जाइए आप, हो गया, बहुत सोच लिया. ए मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट यू थिंक ही बिकम. तो सीधा बात है, एक लाइन में अगर इसको रीफ्रेम करें, हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोच के अगर रीफ्रेम कर लें कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स, है कि नहीं. आदमी वही होता है जो सोचता है, सीधी बात है. ओके, एलएचएस अगर करें, पहले थोड़ा बता देता हूं मैं एक दो चीज, फिर एलएचएस वेलएचएस कर लेंगे. देखो ये जो थॉट है, थॉट है, ओके, वो आपका अगर देखा जाए तो बिलीफ और वैल्यूज जो है उससे सोचता है, ठीक है, जो भी थॉट होता है उनका. ओके, थॉट जो है दैट मैनिफेस्ट इनटू योर आपका एक तरह से एक्शन मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, हैबिट बन जाता है आपका, फिर वो वही काम करते हैं आप. हैबिट बन जाता है आपका, ओके, ये चीज है. ऑल राइट, चलिए अब थोड़ा वापस आते हैं, यहां पे मैं लेता हूं. ओके, एलएचएस कर लेते हैं. सबसे पहले तो है क्या थॉट, व्हाट इज थॉट, द ओपिनियन वी होल्ड, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सिंपल सिंपल के थॉट, जो भी आप डेफिनेशन सोचते हैं, एनी डेफिनेशन दैट कम्स इन योर माइंड इज विल बी करेक्ट डेफिनेशन. योर थॉट योर इज द ओपिनियन दैट यू होल्ड अबाउट people, about place, about ideas, about your planet, kuch ke bare mein bhi. That is what it is. Okay? So what is thought? Pehla cheez. Ab kya bol rahe hain? Jo sochta hai wahi wo ban jata hai, wo bol raha hai. Theek hai? To ye ab how thoughts are formed, ये वाला है बना दे क्या जाता है in general, ठीक है, how it affect action, ठीक है, and चौथा कि कोट एग्जाम्पल कर दो, एज मेनी एग्जाम्पल, ठीक है. तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप भी सोचे होंगे, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल देखो, पहले पब्लिक सर्वेंट का बात करते हैं. पब्लिक सर्वेंट, उसमें एक होता है करप्ट और एक होता है ऑनेस्ट, ठीक है. सेम चीज एग्जाम देके सेम पास करके वो लोग गए हैं, सर सेम डेफिनेशन में भी लिखी थी. अच्छा, हाँ, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है. एक करप्ट होता है, एक ऑनेस्ट होता है. कोई करप्ट और कोई ऑनेस्ट कैसे बन गया? सेम एग्जाम, सेम ट्रेनिंग, सेम हर चीज दिया गया. समवन इज करप्ट एंड समवन इज ये, इट इज बिकॉज थॉट. He is a negative thinking kind of person. He lacks certain your dal sakte adit certain degree of values. Values are corrupted.
वो मायने नहीं रखता, मीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ठीक है, चलो एक तो पब्लिक सर्वेंट हो गया, ओके। दो, पॉपुलर लीडर। एक बन गया गांधी, एक बन गया हिटलर। हाँ, दोनों की पॉपुलरिटी बराबर ही था। स्पोर्ट्स मैन, याद रखिए, एक का नाम है सचिन तेंदुलकर, एक इन्हीं का दोस्त है, इससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग कहते थे, विनोद कांबली। आज हालत यह था कि उनको ट्वीट करना पड़ा कि हमें कोई नौकरी दे दो, हमें अपने घर को संभालना है। इससे ज्यादा टैलेंटेड था, दोनों दोस्त था, दोनों का रणजी का रिकॉर्ड था, पार्टनरशिप 500 समथिंग रन का, 600 के आसपास। इसका थॉट क्या था? कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं था, डिसिप्लिन थॉट नहीं था, उस चीज में कमजोर था। ये खत्म हो गया। इसको एक आदमी ने नौकरी दिया साल का 12 लाख, 1 लाख पर मंथ, कैसे रहेगा बंबई में? टैलेंट का एक लोग कहते थे कि इससे ज्यादा था सचिन तेंदुलकर से। तीन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर देखो, दोनों सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल, हाईली अलग ही इरेक्टिक काइंड ऑफ आदमी। एक का नाम है मस्क, एक का नाम है हार्वर्ड ह्यूज। ठीक है, देखो जितना मस्क फेमस है उतना ही हार्वर्ड ह्यूज भी फेमस था। मस्त गांजा वंजा सब पी लेते हैं मस्त, ठीक है। हार्वर्ड ह्यूज के साथ एक प्रॉब्लम है, ही वाज जर्मोफोबिक। उसको लगता था कि जर्म जो है ना, कोई आदमी बाहर से जर्म लेके आया, बार बार सैनिटाइज करता था, हाथ धोता था। इतना अमीर, एक मूवी बना है इसी पे, हार्वर्ड ह्यूज पे ही, एविएटर। ठीक है, देखिएगा, मरा तो शायद 70-80 इयर्स में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मैक्सिमम लाइफ 40-45 साल ये घर के अंधेरे कमरे में ही गुजार दिया। हर समय लगता था इसको ये, ठीक है। दोनों में इक्वल टैलेंट, दोनों उसी तरह का करने वाला आदमी था, लेकिन एक खत्म हो गया। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लिख लो यहां पे, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी और यहां पे अनिल अंबानी। चलो सीधा हमारे घर में ही एग्जाम्पल था, कहां हम विदेश चले गए। हाँ, और क्या, और क्या, स्पिरिचुअलिज्म में एक का नाम है जग्गी वासुदेव, ही इज गुड। मतलब मेरे को उतना खास ये नहीं है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ओशो का चोरी करता है, लेकिन फिर भी ही हैज सर्टेन रेपुटेशन। जग्गी मतलब सदगुरु। और एक आसाराम। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छा अच्छा नाम मिला नहीं यार मुझे, तो मैंने इसी को ले लिया। So these are the example you can quote. इतना सारा example हमने दिया, किसी because it is the manifestation of, ठीक है। तो वापस एक बार आओ, अरे कि how it affect action है, ठीक है, all right। तो पीपल जो है यहां पे जो इतना सारा कोट किया,
ये है कि अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई दोज सक्सेस और फेलियर, क्यों वो सक्सेस फेलियर, बिकॉज दोज पीपल में क्या था, कैरेक्टर का स्ट्रेंथ कमी है, इसीलिए वो उस तरह से बन गया, दैट इज व्हाट इट इज, हो गया मस्त, आंसर कंप्लीट। ठीक है, गोपाल दास भी कर सकते हैं, लेकिन गोपाल दास अभी थोड़ा नीचे है, सदगुरु थोड़ा ऊपर है, सदगुरु मोर इज अ कॉपी पेस्ट और कॉपी स्टाइल लाइक ओशो, ओशो वाज ओशो, लेकिन ये ऐसा है, तो जो भी है दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो इस तरह से करना है। कल क्लास आप लोगों का नहीं होगा, सैटरडे को आप लोग क्लास नहीं होगा, संडे को क्लास लूंगा, ठीक है, आई विल टेक क्लास ऑन संडे, आई विल इन्फॉर्म अबाउट द टाइम। कल और परसों क्या होगा वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, कल होमवर्क दूंगा, ओके, आई विल गिव यू होमवर्क टुमारो, ठीक है। कोटेशन पे ही अब हम लोग काम करते हैं कुछ दिन, ऑलराइट, और मैं चाहूंगा आप लोग ब्रेन स्टॉर्म करें, मैं ईयर बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग कल उन सब चीजों पे सोचना शुरू कीजिएगा, गॉट इट, एंड देन विल मीट ऑन संडे, आई विल टेल यू द टाइम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि कहां तक आपने सीखा, उसके बाद हम लोग गौज करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं संडे को, ठीक है। ये दो दिन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, गैप नहीं दे रहा हूं इसके लिए, यहां पे इतना दिन में ओवरलोड हो गए आप, इसीलिए हम आपको गैप दे रहे हैं कि हां भाई दो दिन ले लो, समय ले लो, लिखो, थोड़ा काम करो उस पर, ऑलराइट, देन विल मीट ऑन संडे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।